हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं पीडीए, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। और इस वीडियो में हम पीडीए से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पीडीए से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने डिस्कस किया हुआ फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हमने डीएफए एनएफए के बारे में डिस्कस किया था, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द रेगुलर लैंग्वेज। अब रेगुलर लैंग्वेज का क्या है कि ठीक है दे आर पावरफुल लैंग्वेज, लेकिन अगर हमारे पास लैंग्वेजेस है विच आर मोर पावरफुल देन रेगुलर लैंग्वेजेस, तो उनके लिए जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो मुझे और पावरफुल मशीन चाहिए। कैसे? लेट्स सी, अगर हम एग्जाम्पल लें 0 पावर n, 1 पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास लैंग्वेज में क्या आ गया, नॉर्मल अगर मैं सिर्फ 0 पावर n लिखूं, मतलब नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ जीरोस आर व्हाट, इनफाइनाइट। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इट इज व्हाट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। बट 0 पावर n के बाद मैंने लगा दिया 1 पावर n, तो यहां पे पावरफुल क्यों कह रहे हैं हम इस लैंग्वेज को, या इस लैंग्वेज में एक्स्ट्रा चीज क्या है? इस लैंग्वेज में एक्स्ट्रा चीज है कि 0 जो है वो फॉलोड बाय 1 है, एंड नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 आर इक्वल। तो यहां पे नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ 1 इक्वल का मतलब क्या है, यहां पे एक कंपैरिजन आ गया। तो जब भी एक कंपैरिजन आ गया यहां पे फाइनाइट ऑटोमेटा फेल हो जाएगा। रीजन उसका क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा के पास फाइनाइट मेमोरी है। अब फाइनाइट मेमोरी में मैं फाइनाइट वैल्यू को जो है वो सेव कर सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे रिमेंबर रखनी पड़ेंगी। कैसे? अगर मुझे इसको निकालना है, मतलब अगर मुझे इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना है, तो इसका लॉजिक क्या है कि जितने जीरो आ रहे हैं आप उनको काउंट कर लो, उसके बाद जितने वन आ रहे हैं आप चेक कर लो, जितने जीरो आपने काउंट किए थे क्या वन बराबर है या नहीं। अब ये सुनने में तो आसान लग रहा है कि पहले मैंने काउंट कर लिए, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं मैंने दो बार जीरो काउंट कर ली उसके बाद दो बार वन आ रहे हैं तो ठीक है। बट यहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ी ना कि हम काउंट करके अपने माइंड में रख रहे हैं, यहां पे तो सारा काम क्या हो रहा है, प्रोग्राम की हेल्प से हो रहा है, लॉजिकल हो रहा है। तो इस काम को करने के लिए मेरी फाइनाइट जो मेमोरी है वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, एक्स्ट्रा स्टैक चाहिए, और वो जब मैं लगा दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा और पावरफुल मशीन बन जाएगी। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास फाइनाइट मेमोरी थी, तो फाइनाइट मेमोरी से हम काफी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ऑल लैंग्वेजेस आर रेगुलर लैंग्वेज। बट अगर लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो उस केस में मेरे को ज्यादा पावरफुल मशीन चाहिए। और पावरफुल बनाने के लिए हमने किया क्या, कोई एक्स्ट्रा कोई पावर नहीं दी, हमने सिंपल क्या किया, फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ में हमने एक स्टैक ऐड कर दिया। फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ में जब हम स्टैक को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पीडीए, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन का मतलब क्या है, यहां पे हम स्टैक यूज करें तो ऑब्वियसली यहां पे पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन होंगे। अब यहां पे लॉजिक क्या चल रहा है, 0 0 1 1, देखो अब जब भी जीरो आएगी, मतलब मेरे को इनको काउंट करना है कि कितनी बार जीरो आई, तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे जीरो आई मैंने स्टैक में डाल दी, जैसे जीरो आई मैंने स्टैक में डाल दी, जैसे जीरो आई मैंने स्टैक में डाल दी। अब उसके बाद जैसे वन आया हर एक वन के लिए मैंने स्टैक में से एक एक जीरो को पॉप कर लिया। तो मतलब जितनी बार मेरे वन आ रहे हैं उस हरेक वन के लिए मैं जीरो को पॉप करता जा रहा हूं स्टैक में। तो अगर लास्ट में मेरा एप्साइलन बचा, मतलब कोई जीरो या वन कुछ नहीं बचा, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ जीरो एंड वन क्या है, बराबर। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, अगर आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी एक एक्स्ट्रा स्टैक इसके अंदर ऐड कर दो। तो जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टैक ऐड कर देते हैं दैट बिकम्स द पीडीए। तो ऑब्वियसली अगर आपसे पूछे कि पीडीए इज मोर पावरफुल, यस पीडीए इज मोर पावरफुल देन द फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि पीडीए फाइनाइट ऑटोमेटा का काम तो कर ही रहा है, मतलब रेगुलर लैंग्वेजेस को तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, बट साथ साथ रेगुलर लैंग्वेजेस से ज्यादा जो पावरफुल लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हम सिंगल कंपैरिजन, जैसे 0 पावर n, 1 पावर n, या फिर WWR, मतलब पैलिंड्रोम, जितने मेरे पास स्ट्रिंग आई उसका रिवर्स। अब ऑब्वियसली पहले मेरे पास स्ट्रिंग आई उसका रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को कहीं ना कहीं स्टोरेज एक्स्ट्रा चाहिए। तो जितनी भी इस टाइप की लैंग्वेजेस हैं इनको बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज करते हैं PDA, that is push down automata। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी formal definition। तो formal definition में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, कितने tuples हैं, 7 tuples को हम use करते हैं to define the
पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसमें से कुछ आपके फाइनाइट ऑटोमेटा वाले ही हैं, जैसे क्यू, दैट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास होती है फाइनाइट, ऐसे ही हमारे पास ये है जिसमें हम क्यू नॉट, क्यू वन, फाइनल स्टेट बहुत सारी हो सकती है। देन हमारे पास आता है इनपुट सिंबल, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में हम जीरो वन या फिर ए बी इनपुट सिंबल लेते थे, ऐसे ही इसमें लेंगे। ये नई चीज है, दैट इज टाउ। टाउ यहां पे क्या है, स्टैक अल्फाबेट, मतलब स्टैक के अंदर आप क्या डाल रहे हो, स्टैक के अंदर आप कौन से अल्फाबेट को पुश कर रहे हो, जीरो को कर रहे हो, वन को कर रहे हो। जैसे इस केस में देखो, अब इस केस में हमारे पास ये वाला जो केस है जीरो पावर एन वन पावर एन, इसमें देखो इनपुट सिंबल कौन से है, जीरो है वन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीरो भी पुश करोगे, आप वन भी पुश करोगे। सिंपल सा लॉजिक है, आप जीरो पुश करो, वन आपके यहां पे है ही, मतलब ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा की मेमोरी, इसमें ऑलरेडी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में ऑलरेडी वन पड़े हैं, तो हरेक वन के लिए जीरो को पॉप कर दो तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यानी टाओ क्या कहता है कि जो एलिमेंट या जो इनपुट हम स्टैक के अंदर डाल रहे हैं, दैट इज बिकम द टाउ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इनपुट सिंबल ही डालेंगे, ऑब्वियसली आपका जो है डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि किस क्वेश्चन में क्या बनना है। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ जीरो ही आपका पुश होगा, इसके अलावा जो है आपका वन यहां पे पुश नहीं होगा। ऐसी अगर हम बात करें ट्रांजिशन फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में ऑब्वियसली हम डिटेल में बात करेंगे लेटर ऑन, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में ट्रांजिशन फंक्शन होता क्या है। लेकिन आप फिलहाल जो है वो इस तरीके से ले सकते हो कि ट्रांजिशन फंक्शन में हमारे पास क्यू, दैट इज योर स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट में से कोई ना कोई स्टेट है, और इसमें हमने क्या दिया, सिग्मा, दैट इज योर इनपुट सिंबल। अब इनपुट सिंबल में जीरो वन ए बी के साथ साथ हमारे पास एप्साइलम भी हो सकता है, तो एप्साइलम के केस में भी ये चलेगा। और टाउ, टाउ मतलब स्टैक में क्या सिंबल है। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन होती क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, तो वो ट्रांजिशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो आपकी करंट स्टेट क्या है, दूसरा इनपुट सिंबल क्या है, जीरो है, वन है, एप्साइलम है, और स्टैक के अंदर कौन सा अल्फाबेट है, स्टैक के अंदर कौन सा अल्फाबेट है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब तीन आर्गुमेंट हम पास करेंगे इनपुट में, और आउटपुट क्या आ रही है, क्यू इंटू टाउ स्टार, और आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, दो आर्गुमेंट आ रहे हैं, दैट इज क्यू एंड टाउ स्टार। तो टाउ क्या है, ऑब्वियसली जो हमने स्टैक के अंदर पुश किया, जो हमने इनपुट सिंबल डाले हैं, उन्हीं के ऊपर ही हमारे पास आउटपुट जो है वो जनरेट होगी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। क्यू नॉट, दैट इज योर इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियली आप कौन सी स्टेट से चलो, जब हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। देन जेट नॉट, दैट इज अ स्टैक स्टार्ट सिंबल, यहां पे जो हम स्टैक लेके चल रहे हैं, तो स्टैक में बाय डिफॉल्ट टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, जेट नॉट, बाय डिफॉल्ट टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो जेट नॉट। जेट नॉट क्या है, हमने सिंबल डिफाइन कर दिया जो स्टैक के अंदर बाय डिफॉल्ट रहेगा, मतलब ये तो स्टैक के अंदर है ही, इसके अलावा आप जब 01 01 डालते जाओगे, जो भी आप वैल्यू डालोगे, तो टॉप ऑफ द स्टैक के बेसिस पे आप वैल्यूज पुट करते जाओगे, तो टॉप ऑफ द स्टैक आपको बाय डिफॉल्ट बताता रहेगा कि कहां पे आपको वैल्यू डालनी है। देन हमारे पास आता है पुश, हम इस तरीके से करते जा रहे हैं यहां पे, और पॉप जो करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक नीचे की तरफ आएगा, जब पुश करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक ऊपर की तरफ जाता जाएगा। देन हमारे पास आता है फाइनल स्टेट, दैट इज योर एफ, सेम है, जहां पे आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, दैट इज कॉल्ड योर फाइनल स्टेट। बट याद रखना, पीडीए में जरूरी नहीं, हो भी सकता है कि फाइनल स्टेट हो सकता है कि फाइनल स्टेट ना हो। तो ये मेन पॉइंट्स है रिलेटेड टू द पीडीए। यहां पे लास्ट में जो मैं आपको पॉइंट बता दूं कि अगर ये टाउ और ये वाली वैल्यू, मतलब जब हम ट्रांजिशन फंक्शन की जो वैल्यूज है वो हम लिखेंगे, उसके बेस पे आपको और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे तीन ही आपके जो मेन पॉइंट बनते हैं, अगर ये सिंबल और ये सिंबल, दोनों सिंबल अगर यहाँ पे बराबर है, मतलब ये और ये सिंबल अगर बराबर है, आपके पास कोई भी ट्रांजिशन फंक्शन दिया हो प्रॉपरली, अगर ये दोनों सिंबल बराबर है, तो आपका जो स्टैक होगा वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, मतलब कोई उसमें चेंज नहीं करना। अगर ये वाला सिंबल आपका एप्साइलम है या लैम्डा है, नल है, तो उस केस में क्या करना है, आपको ये वाला सिंबल क्या कर देना है,
पॉप कर देना, मतलब यहां पे जो भी सिंबल होगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आपको यहां पे उसको क्या कर देना, पॉप कर देना है। और तीसरा केस क्या है, अगर दोनों के दोनों सिंबल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब यहां पे लेट्स सपोज जीरो है, यहां पे लेट्स सपोज जेड नॉट है, या यहां पे लेट्स सपोज वन है, अगर अलग अलग है तो उस केस में आपको क्या करना है, ये वाला सिंबल जो है वो पुश कर देना है, जो भी यहां पे होगा स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो स्टैक के अंदर पुश कब करना है, जब यहां पे दोनों वाले सिंबल अलग अलग हो, मतलब ये टाओ और ये टाओ अलग अलग हो। अगर यहां पे ये वाला टाओ जो है वो ये सिर्फ एप्साइलम डिनोट कर रहा है, तो उस केस में आपको ये सिंबल को पॉप करना है, और अगर दोनों बराबर है ये वाले सिंबल तो आपको उस केस में नो चेंज करना है, मतलब जो स्टैक है उसको एज इट इज रहना है। तो ये मॉडल जो है वो कैसे काम करता है, बस फाइनाइट ऑटोमेट जो भी स्ट्रिंग हमने चलनी है एक एक करके रीड राइट हेड जो है वो रीड करता रहेगा। इस रीड राइट हेड से सिर्फ यहां पे हमारे पास रीड ऑपरेशन होगा, राइट नहीं होगा, मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड करता रहेगा और आगे आगे जाता रहेगा। और लास्ट में हमारे पास जो है वो जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो लास्ट सिंबल कौन सा होगा, एप्सिलॉन। और स्टैक जो है वो स्टैक के अंदर हम वैल्यूज को पुश भी कर सकते हैं, स्टैक से हम वैल्यू को पॉप भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ द मॉडल ऑफ PDA विल वर्क। तो ये और ज्यादा आपको क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।